ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। तो संगत जी, आज मैं अपना एक सत्संग सुनाऊंगी, पर उससे पहले मैं आपको अपना नाम बता देती हूँ। मेरा नाम रिंकी शर्मा है और बता दूँ कि मैं साईं डिवोटी हूँ और मुझे साईं बाबा ने ही गुरुजी से कनेक्ट कराया है और गुरुजी के साथ साथ मैं नीम करोली बाबा से भी कनेक्टेड हूँ, तो मुझे ये तीनों स्वरूप ना एक ही लगते हैं। तो गुरुजी का सत्संग अब मैं शुरू करती हूँ। जय गुरुजी। तो संगत जी, ये पिछले महीने की बात है, 7 जनवरी की। तो 7 जनवरी को मुझे उड़ीसा ट्रैवल करना था, यानी कि राउरकेला में, जो कि स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, और वो मेरे लिए बहुत ख़ास जगह है क्योंकि मैं वहाँ जन्मी पली थी और ऑलमोस्ट मैं 12 साल बाद जा रही थी। बता दूं कि मेरे माता पिता तो अब रहे नहीं, वहाँ कोई रहता नहीं, बट जब आप कहीं जन्मे पले होते हो ना, तो उस जगह से आप इमोशनली कहीं ना कहीं अटैच होते हो। तो मुझे ना सपने में ना बहुत बार वो घर दिखता था, वो गलियाँ दिखती थी जहाँ मैं आती जाती थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की, अपने अंकल से, कि मुझे ना जाना है, आप प्लीज़ मुझे ले चलो। और ख़ासकर मुझे बेटी को भी दिखाना था क्योंकि मेरी बेटी ने कभी वहाँ मतलब देखा ही नहीं था। मेरा मम्मी की डेथ के बाद मेरे फादर ना मेरे ब्रदर के पास शिफ्ट हो गए थे, तो वो घर बिक गया था और उसके बाद मेरा कभी जाना नहीं हुआ। तो वो भी 12 साल की होने वाली थी, तो उसको भी मुझे दिखाना था। वो पूछती रहती थी नाना नानी कहाँ रहते थे, आप किस स्कूल में थे, तो मुझे उसको सब दिखाना था। तो इसके लिए हमने प्लान किया जाने के लिए। तो मज़ेदार बात ये है कि मेरे हस्बैंड ने जब पूछा कि आपको कब जाना है, जनवरी की चलो टिकट बुक करा देते हैं, बाई ट्रेन जा रहे थे हम, तो मैंने उन्हें ना मतलब बहुत कंफर्म डेट ये बोली कि 7 जनवरी को कर दो। ये बात दिसंबर की है जब वो टिकट बुक कर रहे थे, तो उन्होंने बोला ऐसे थोड़ा ना होता है, देखेंगे अगर उसमें उस बीच अवेलेबिलिटी रहेगी तो करा देंगे। तो देखिए, ये वेटिंग में ही थी, बट मुझे अंदर से एक विश्वास था कि मेरी टिकट कंफर्म हो जाएगी। तो कंफर्म भी हो गई और मतलब ऑलमोस्ट 3 दिन पहले, और मैं डेली प्रार्थना भी कर रही थी गुरुजी से, साईं बाबा से, कि प्लीज़ मेरी टिकट कंफर्म कर देना, मैं इतने साल बाद जा रही हूँ तो मेरा प्लान ना ख़राब ना हो। मैं इतनी एक्साइटेड थी वहाँ पे अपने फ्रेंड्स को मिलना, मेरे अपने जितने भी नोन हैं उनसे मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ। संगत जी, आप सब जानते हो कि सर्दियों के दिनों में या तो ट्रेन लेट होती है या फिर कई बार कैंसिल भी हो जाती है। तो काफ़ी सर्दी पड़ रही थी, तो मुझे ना बड़ा स्ट्रेस था कि टिकट तो कंफर्म हो ही जाएगी बट कहीं से विघ्न ना आए, यानी ट्रेन लेट होना फिर भी सही चलेगा बट कैंसिल ना हो, क्योंकि मैं सुपर एक्साइटेड थी अपनी बेटी को भी ले जाना, जैसे मैंने आपको बताया चाहती थी। तो मुझे यह था बस मैं किसी भी तरह चली जाए मतलब वहाँ पे हम। तो 7 जनवरी का दिन आ गया जिस दिन हमें जाना था, और उस दिन शाम की ट्रेन थी, 5 बजे राइट टाइम था, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमें ट्रेन पकड़नी थी राजधानी। तो सुबह तो हमने सारी पैकिंग करके हम रेडी हो गए और हम ना वेट करने लगे कि कोई रेलवे से मैसेज आ जाए अगर लेट तो नहीं है कहीं या कैंसिल ना हो, क्योंकि उस दिन बहुत सर्दी थी। तो 10-11 बजे के पास मैसेज आता है रेलवे इंक्वायरी से, जो मतलब रेलवे से, कि या 5 घंटे की ट्रेन लेट है। तो हमने ना फिर भी तसल्ली कर लिया कि कोई बात नहीं, 5 घंटे हैं तो वही रात को ट्रेन चलेगी, बट कैंसिल तो नहीं हुई। खासकर मैंने बहुत तसल्ली की और मैं बहुत थक चुकी थी काम करके, क्योंकि पैकिंग भी चल रही थी और बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरा बेटा भी है तो वो घर में था, तो उसके लिए भी मुझे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ के जाते हो फैमिली में किसी को, तो उसका भी ध्यान रखना होता है ना, तो वो सब मैंने पूरी घर की भी तैयारी कर रखी करी थी। तो थक गई, तो अब मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर रेस्ट ही कर लूँगी। जब मैं रेस्ट करने के लिए ऐसे ही लेटी, मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, बस मैं लेटी, तो मुझे ना ऐसे फील हुआ कहीं ऐसा ना हो, एक बार पता कर लेते हैं ट्रेन राइट टाइम ही हो, रेलवे इंक्वायरी में कॉल करते हैं, रेलवे की तरफ से मैसेज तो आया, इंक्वायरी में कॉल कर लेते हैं। तो 4:45 की बात है, मैंने अपने अंकल को बोला कि
मैं एक बार कॉल करके देखूँ तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ट्रेन तो लेट है, मैसेज आ गया, क्यों टेंशन लेते हो। मैंने बोला नहीं, एक बार क्लैरिटी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो जब मैंने कॉल किया, दो तीन बार ट्राई किया तो लग ही नहीं रहा था, कंफर्म कुछ मतलब पता ही नहीं चल पा रहा था, मतलब लग ही नहीं रही थी कॉल। फिर मैंने एक ट्रेवल एजेंट भैया थे उनको, मतलब उस अंकल को, मतलब आप बोलेंगे कि मैंने उनको कॉल किया कि प्लीज़ आप बता दोगे, क्योंकि ट्रैवल एजेंट्स को तो अच्छे से पता होता है कैसे ही, मतलब वो तो कंफर्म कर ही लेते हैं कैसे भी। तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे आप चले जाओ स्टेशन 5 बजे की अगर ट्रेन है, क्योंकि मेरे 3-4 क्लाइंट्स ऐसे हैं जो 2 दिन पहले रह गए, उनको रेलवे से ही मैसेज आया कि ट्रेन लेट है, बट जब वो मतलब उस टाइम पे पहुँचे तो पता चला कि ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि राइट टाइम ही थी। तो उसके बाद मतलब रेलवे वालों ने उनको अपडेट नहीं किया दोबारा कि वो राइट टाइम पे। तो मैं बहुत डर गई संकट जी, मुझे ऐसा लगा कि मैं तो अब मतलब 4:15 की बात है तो 5 बजे तो हमारी ट्रेन है, 1 घंटा तो हमें जाने में लगेगा। तो मैंने अपने अंकल को बोला स्पीड पकड़ो मुझे जाना है। मैं रोते रोते बोले कि आप कैब बुक करो मुझे जाना है हर हालत में। तो संगत जी हम कैब में बैठ गए, पूरे रास्ते मैंने गुरुजी को याद किया, हे गुरु महाराज, हे गुरुपा, मैं जाना चाह रही हूँ, आपको सब पता है, आप जानी जानो, आप ही का दिन मैंने चुना, आपने मेरे टिकट कंफर्म कर दी, बट मुझे पहुँचा दो प्लीज़ राउरकेला, ट्रेन लेट हो जाए कैसे भी चमत्कार हो, ऐसा ना हो कि ट्रेन हम मिस कर दें, क्योंकि मिस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 5 बज गए और पूरे रास्ते मैं टप टप आंसुओं से कि मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। खैर हम जैसे तैसे गुरुजी का नाम लेके स्टेशन पहुँचे ना, तो कुली था, तो मैंने अपने अंकल को बोला आप कुली देखते ही ना उनको दे देना सामान, कि ऐसा ना हो कि बहुत दूर प्लेटफॉर्म में आए, तो जल्दी जल्दी कुली को सामान देंगी तो वो जल्दी पहुंचा देगा हमें, चाहे कितना भी दूर हो प्लेटफॉर्म में। तो खैर हम जैसे ही वहां पहुंचे तो कुली मिला, तो हम कुली भैया को बोले कि हमारा सामान ले लो प्लीज़, और हमें ये बताओ कि राजधानी राइट टाइम पे है कि लेट है, या निकल तो नहीं गई, क्योंकि 5:05 हो चुके थे। उन्होंने कहा कि आप इतना पैनिक मत हो, आप इतना घबराओ नहीं। तो संगत जी मेरे जान में जान आई, मैं इतनी खुश हुई और मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का कि आपने मेरे दिल की बात रख ली। आप विश्वास नहीं करोगे कि वो जो ट्रेन लेट थी ना, वो 5 घंटे मैंने लिटरली इन्जॉय किया। बोलते ना कि जब आप स्टेशन में बैठते हो तो आप सबसे ज़्यादा मतलब परेशान होते हो ट्रेन लेट होने पे, पर मुझे लगता है मैंने उस चीज़ को इन्जॉय किया, क्योंकि मेरे को ये जो स्ट्रेस था ना कि ट्रेन कैंसिल हो जाए या मिस हो जाए, तो उससे मुझे बेटर यही ऑप्शन लगा कि मैं जा तो रही हूँ एटलीस्ट। तो खैर मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। और साथ साथ आपको बता दूँ, मैंने कुली से भी कंफर्म हमने किया कि ऐसा होता है क्या कि कभी कोई मैसेज आए रेलवे से और सडनली मतलब लेट, पहले लेट का आए और फिर सडनली राइट टाइम हो जाए, तो बोलते हैं हाँ होता है और कई बार मिस भी कर जाते हैं लोग अपनी ट्रेन। तो आपने देखा कि गुरुजी ने कैसे मेरा मतलब हर चीज़ मेरे फेवर में कर दी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा वो ट्रिप इतना सक्सेसफुल और इतना खुशियों वाला रहा कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकती। तो मैं बस शब्दों में क्या बोलूँ, यही कहूँगी शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना बेतनहा शुक्राना। तो संगत जी यही कहूँगी, आप भी गुरुजी पे विश्वास रखिए, जो होगा सब अच्छा ही होगा। गुरुजी अपने संगत को ना कभी डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। अगर कुछ भी चीज़ होती, मान लो अगर वो कैंसिल ही हो जाती, तो मुझे शायद उस टाइम थोड़ी देर के लिए बुरा लगता, पर मैं तब भी यही सोचती कि शायद गुरुजी ने मुझे बचा लिया, कुछ अनहोनी हो सकती थी। खैर गुरुजी ने तो मेरी इच्छा पूरी की और गुरुजी सबकी सुनते हैं, और जो अच्छा होता है गुरुजी वही देते हैं और वही करते हैं। तो आप भी अपनी श्रद्धा और विश्वास गुरुजी पे बनाए रखें। और संगत जी आखिरी में यही कहना चाहूँगी, अगर ये सत्संग आपको पसंद आया है और आपको लगता है कि किसी के साथ आप शेयर कर सकें तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी।